एक नजर बद वो होती है कि जो किसी नापसंद करने वाले की लगे हसद हो ना हो बस वह नापसंद करते हैं तो उसकी नज़र लग गई दूसरा होता है कि किसी अपने की नज़र लग जाए नज़र इससे भी लग जाती है बाद माँ बाप की औलाद को लग जाती है इसलिए कहते हैं कि वह माशाला सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अल्फाज हाथ में कहने चाहिए बल्कि हदीसव मार्ग में फरमाए माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अगर ये कह दिया जाए तो नज़र नहीं लगती जब कुछ शायद अच्छी लगे किसी की गाड़ी है किसी का कारोबार है कपड़े हैं कोई और खूबी है तो देख के बोल दिया माशा अल्लाह माशा बिल्ला इतना बढ़ देंगे तो नज़र नहीं लगेगी तो चाहने वाले की भी नजर लग जाती है अच्छा बाद अपनी भी लग जाती है ये भी आपको अर्ज करूं नजर बाजोकत अपनी भी लग जाती है ये भी एक हकीकत है मुहदसिन ने इसके ऊपर बाकायदा बड़ी तफसील से कलाम किया है तो इसलिए थोड़ा सा जरा सेल्फियों से भी परहेज ही करनी चाहिए कि हम जितनी सेल्फियां लेते हैं नज़र भी उतनी लगती है और सेल्फी लेते ही इसी नहीं है कि कितना अच्छा लग रहा हूं यहां खड़ा हुआ कैसा लग रहा हूं वहां खड़ा हुआ कैसा लग रहा हूं तीसरी नज़र होती है हासिद की नज़र हासिद की जो नज़र होती है यह पहली दोनों नज़रों से ज्यादा खतरनाक होती है उलमा ने इस पर फरमाया है कि नजर असमें लगती कैसे है इंसानी आंख से जो श्वाएं निकलती हैं इन श्वाओं के अंदर जहरीलापन भी होता है आंखों से निकलने वाले शौक के असरात का तो सब समझती ही है ना मोहब्बत से देखें तो उसका भी पता चल जाता है नफरत से देखें तो उसका भी पता चल जाता है और उसमें जरूरी नहीं होता कि बकिया बुरा चेहरा देखें तो पता चले निगाहों की जो श्वा है वही बता देती है किस नजर से देख देखना ठीक तो अब क्या है कि जब इंसान हसद के साथ किसी को देखता है तो जो उसके दिमाग के अंदर जहर पैदा होता है वो उसकी उन श्वाओं के जरिए सामने वाले पे असर करता है और ये उसको जो है वो नुकसान पहुंचाता है तो इसलिए हसद वाले की जो नजर है ये भी बड़ी शदीद होती है इसलिए फरमाया गया कि अपनी नेमतें छुपाकर हासिदों से बचो बिना वजह हर एक के सामने जाके अपने कारोबार की बातें या अपने पैसों की बातें या अपनी ऊंची ऊंची बातें ये नहीं करनी चाहिए खासतौर पे जो महरूम आदमी एक है कि एक कारोबारी दूसरी कारोबारी के सामने बात कर रहा है वहां भी थोड़ी एहतियात चाहिए एक ये है कि उसके सामने बात कर रहा है कि जो बिल्कुल महरूम है कि जो निगाह हसरत और निगाह हसद डाल देगा उससे बचना चाहिए पिछले जमाने में उलमा क्या फरमाते थे फरमाते थे कि बाजार से खाना खरीद के ना खाओ खाना घर का होना चाहिए अब तो हमारे जमाने का कल्चर ही चेंज हो गया तो अब तो वो वाली बातें करना भी बड़ा अजीब लगेगा कि यार बाहर से ना खाना खाएं हमारे तो घर में पकता ही नहीं हम तो तीन टाइम का बाहर से खाते हैं सुबह की पूरी बाहर से है रात के बर्गर पिज्जा बाहर से हैं तो लेकिन उलमा पहले क्या फरमाते थे कि बाहर से ना खाओ उसकी वजह क्या थी उसकी वजह यह थी कि बाहर जब चीजें बन रही होती हैं पक रही होती हैं तो वहां गुजरने वाले वो भी होते हैं कि जो खरीद सकते हैं या खरीदते हैं और वो भी होते हैं जो सिर्फ हसरत से देख के गुजर जाते हैं तो जिस खाने के ऊपर निगाह हसरत पड़ी हुई है उस पर असरात भी वैसे होंगे तो ये पुराने जमाने के जो थे इवन कि ये इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया हो कि बाजार का खाना ना खाना इमाम से फरमाया था बाजार का खाना ना खाना। तो ये चीजें जो हैं इनके असराद होते तो अपनी नेमतें छुपा के हाशिद से और हसरत वाले से बचना चाहिए और बिलफर्ज अगर महसूस होकर नजर लग गई या महसूस ना भी हो तो जो सुन्नत है कि सूर्य फलक और सूर्य नास पढ़ के रोजाना रात को अपने ऊपर